हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो पढ़ने से पहले रेशियो के बारे में कुछ समझते हैं हम, कुछ एक्सरसाइज करने से पहले। रेशियो में सबसे पहले याद रखना, रेशियो हम मेनली हम करते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है कंपेयर। ठीक है, कोई सा भी दो, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होते हैं उसको कंपेयर करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि भाई एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ठीक है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। समझ लो कि ए पर्सन का वेट है आपका 40 kg और बी पर्सन है उसका वेट है 60 kg। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, 40:60। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2, 2 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो 2:3। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन बोला जाता है। और रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए रेशियो बी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 2/3 आए, 2:3 आ गया, 2:3। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है, इसको याद रखना, इसको पढ़ते हैं कि a:b, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2:3। समझ में आ रहा है? और हमेशा और एक चीज़ याद रखना कि कंपेयर हमेशा सेम यूनिट में होता है। ठीक है, सेम यूनिट में कंपेयर होता है, डिफरेंट यूनिट में नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर वेट का लिया, मैं यहाँ पर ये नहीं ले सकता कि भाई मैंने ले लिया वेट और हाइट। ठीक है, वेट और हाइट का मैं नहीं ले सकता। जैसे वेट मैंने 40 kg बोल दिया और हाइट मैंने बोल दिया कि भाई समझ लो कि 5 फीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा कंपेरिजन सेम यूनिट में ही करना पड़ेगा, अलग अलग यूनिट में नहीं कर सकता। इधर समझ में आया, रेशियो समझ में आया। रेशियो होता है कंपेरिजन करने के लिए। रेशियो को रिप्रेजेंट करते करते हैं ए रेशियो बी में करते हैं। ठीक है, इसमें नोट करने वाला कुछ चीज़ नहीं है, बस समझना है इसको। ठीक है, जिसको नोट करना होगा वो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या नोट करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े, देखो। अब इसमें ये सोच समझो कि रेशियो को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए रेशियो बी में करते हैं। ठीक है, एज टू बी में हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो जो ए होता है इसको बोलते क्या है, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, और बी को क्या बोला जाता है, तो बी को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं और कॉन्सिक्वेंट को हम सेकंड टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, बी हो जाएगा सेकंड टर्म, या एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, रेशियो को हम क्या करते हैं, रेशियो को हम लिखते हैं ए रेशियो बी, पर रेशियो को कभी कभी हम फ्रैक्शन से भी कंपेयर करते हैं कि रेशियो और फ्रैक्शन दोनों सेम ही होता है। तो रेशियो को हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी, ये रेशियो फॉर्म है और ये फ्रैक्शन का फॉर्म है। ठीक है, तो रेशियो कैन बी कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन, रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, आप अपना बुक खोलो और बुक का एक्सरसाइज 8A देखो। ठीक है, 8A का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 1 का पहला वाला जो आपको बोल रखे है, ₹7.80 टू 65 पैसे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने जो जो बताया था वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये बताया था कि हमेशा सेम यूनिट में होता है। अब यहाँ पे देखो रुपीस है, यहाँ पर पैसे है, ये क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसमें यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 रुपया होता है वो 100 पैसे होता है। तो 7.80 कितना होगा, 7.80 × 100। अब हमें पता है कि जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे 100 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 780 पैसे आ गए। ठीक है, अब देखो
ये भी पैसे में अब कंपेयर कर सकते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 780:65, इसको आप कैंसिल आउट करो किससे, 5 से कैंसिल आउट करके देखो, 513, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 वन ज़ा, ठीक है, 5 वन ज़ा 5, 6 7 25, 5 और 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 13 के टेबल से चला जा रहा है, 13 वन ज़ा 13 वन ज़ा 13 और 26 टू ज़ा, ठीक है, तो 12:1 इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको आप 77:08/65 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने किसे काटा, 5 से काटा, 5 वन ज़ा 5 फाइव ज़ा 5 सिक्स ज़ा 5 से काटा 5 13 आ गया, ठीक है, फिर 13 वन ज़ा काट दिया, 13 वन काट दिया, फिर 2 काट दिया, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12:1, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12:1 ऐसे लिख सकते हैं, 12/1 को 12:1 भी लिख सकते हैं। तो आई डे यू कैन डू इन दिस वे और इन दिस वे, दोनों ही सही है, ठीक है, जो आपको इजी लगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि 15 आवर्स टू वन डे, 15 आवर्स टू वन डे कैसे करेंगे। देखो वन डे को हम चेंज कर सकते हैं 24 आवर्स, ठीक है, तो 15 आवर्स हो गया यहां पर, रेशियो 24 आवर्स, ठीक है, वन डे को 24 आवर्स लिख दिया। 15 के टेबल से नहीं काट सकते, 3 के टेबल से काट दो उसको, फिर 3 5 ज़ा, ठीक है, 3 8 ज़ा, 5:8, ये तो बहुत सिंपल था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ तो जाएगा, फ्रेम में आ रहा है क्या, आ तो रहा है फ्रेम में, चलो सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ग्राम 2 2 kg, ठीक है, हमें पता है कि 1 kg जो होता है वो होता है आपका 1000 ग्राम, 2 kg कितना होगा, 2 × 1000 2000 ग्राम, ठीक है। अब देखो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो कंपेयर कर सकते हैं, 750 ग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम, ठीक है, ओ ये रेशियो में होगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 75 है, 200 है, इसको 5 से काट लो, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 से काटो इसको, 5 40, 5 से काटा 5 3 ज़ा, 5 से काटा 5 8 ज़ा, 3 8, ठीक है, ये 8 है, राइटिंग बड़ा कर्सिव है यार मेरा, मानना पड़ेगा, 3 8 आ गया, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस यूनिट सेम कर रहा हूँ, फिर कंपेयर कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, जैसे आप फ्रैक्शन में डिवाइड करते हो ना ऐसे लिख के, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि 750 / 2000, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटा तो 15 आया, 5 से काटा तो 40 आया, फिर मैंने 5 से काटा 3 आया, 5 से काटा 8 आया, तो 3/8 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 3:8, ठीक है, इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया इस हिसाब से, ठीक है, इसको आप ऐसे भी करो, एक ही बात है, जैसे आपको इजी लगे, आ रहे समझ में, आगे बढ़े। आप पॉज करके ना नोट भी करते रहना इसको, इस वीडियो को, ठीक है, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको सारे क्वेश्चंस में करा सकूं, क्योंकि आपके ऑफलाइन क्लासेस में तो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, 64 मिलीलीटर टू 1 लीटर।
अब हमें ये पता है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है, बस तब तो सिंपल ही हो गया, 64 मिलीलीटर है रेशियो 1000 मिलीलीटर। ML कट गया, 4 से काटें क्या, 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4 6 जा, इसको 4 से काटें, 4 से काटो तो 250 आ गया है ना। अब किससे काटते हैं, 2 से काटते क्या, 2 8 जा 2 से काटा 2 1 2 5 आ गया भाई क्वेश्चन, 8:1:5 क्योंकि फर्दर ये कटेगा नहीं, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आई थिंक इंग्री हो ही जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 18 मिलीमीटर